बांदा जिले में कंसल्टिंग इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर काम व दाम न मिलने की समस्या बताई। ज्ञापन डीएम के द्वारा भेजा गया, कारण ब्लॉक में अन्य विभाग के इंजीनियर्स काम कराने में हावी, जिससे कंसल्टिंग इंजीनियर्स रोजगार होते हुए बेरोजगार बने हैं। जिला अध्यक्ष अमिताभ मिश्रा, अजय मिश्रा, शुभम मिश्रा, अमिताभ सिंह, अभिषेक की अगुवाई में इंजीनियर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मानदेय एक साल से 2% मिल रहा, भवनों में धन न होने पर काम बंद रहता, कुछ अन्य विभाग के इंजीनियर्स काम करें, कुछ महीनों में हमारी आय शून्य रहती, परिवार का खर्चा चलना मुश्किल है, अन्य विभाग के अपर अभियंता व तकनीकी सहायक बगैर जानकारी के काम करें, मुख्यमंत्री काम व दाम दिलाने के लिए आदेश देने की कृपा करें। पर्चे देखते बताएं किस संगठन से डीएम कार्यालय आप आए हैं, ज्ञापन देने क्या मामला है? हम लोग कंसल्टिंग इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और हम लोगों को इम्पलीमेंट किया गया था एक साल पहले इस शर्त के हिसाब से कि 2% काम का मानदेय के रूप में मिलेगा, लेकिन महीनों महीनों तो भुगतान नहीं हो पाता है और कभी फंड का इशू रहता है ग्राम पंचायत में, कभी काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है इस वजह से भुगतान नहीं हो पाता है, जबकि जिस हिसाब से वैकेंसी करी गई थी ये था कि एस्टिमेट देंगे तो उसका 1% मिल जाएगा और एमबी के टाइम का 1% मिल जाएगा, लेकिन कहीं सेक्रेटरी के पास पैसा लटका हुआ है, कहीं डोंगल एक्सपायर हो गया, कहीं मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं जिसकी वजह से पेमेंट में बहुत बड़ा इशू है और वो सॉल्व आए दिन होता नहीं है कभी भी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट मानदेय करे और या तो पेमेंट सिस्टम को हमारे प्रॉपर तरीके से चलाए जिस हिसाब से वैकेंसी करी गई थी। दूसरा इशू ये आता है कि जैसे जिस विभाग में हम लोगों को पोस्ट किया गया है वो पंचायती राज विभाग है, इसमें दूसरे विभाग के भी जेई और दूसरे विभाग के अभियंता लोग काम कर रहे हैं, उनको हटाने जाने की भी मांग करी गई है मुख्यमंत्री जी से। छह सूत्री ज्ञापन है जिसमें इन्हीं सब मेन समस्याओं को रखा गया है और डीएम साहब को दिया गया है जी। कितने ब्लॉक के आप लोग हैं? हमारे 16 ब्लॉक के सारे लोग हैं यहाँ पे जी। अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे अगले बार और नहीं मानी जाएगी फिर अगला कदम धरना प्रदर्शन किया जाएगा हमारे लखनऊ में। तो